हाय यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज लेके आए हैं नई रेसिपी के साथ आए हैं। तो आज बनाएंगे हम मोमोज बनाने के लिए हम लेते हैं सामान। तो सामान में हमने लिया पत्ता गोभी, ये बरी लिए, ये बरी मैंने कद्दूकस में जैसे फुला दी थी एक दो घंटे के लिए, और ये फुला के मैंने एक मिक्सी के जाल लिया है। मिक्सी के जाल में ऐसा दरदरा सा मोटा मोटा सा इसे ऐसा दरदरा सा कर लिया है। और ये गाजर ली है, ये गाजर भी मैंने ये बारीक कस ली है, ये सारी ये धुली हुई है। ये प्याज है, प्याज भी मैंने चॉप करके ऐसे करके काटी है। मैं इसे कद्दूकस नहीं कर सकती थी, कद्दूकस करने से क्या होता कि ज़्यादा पानी पानी से हो जाता, तो इसलिए मैंने ये चॉप करी है बारीक कटी। और ये मैंने पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी मैंने कसी नहीं है। गैस की तरफ हम आए हैं, तो गैस हम मैंने ऑयल ऑयल इसमें डाल दिया है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये जीरा, मैंने जीरा डाल दिया इसमें सर। ये मैंने लहसुन का कसकर के लिया है, ये हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे, एक चिंच के करीब हींग, ये हींग भी डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं बस बाकी तो प्याज मैंने भूनना ही है, इसे हल्का सा क्रंची क्रंची से भूनना है। तो ये मैंने अदरक का घोल कस के लिया है, इसमें अदरक भी डाल दिया, ये सोया बीन भी इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, मीडियम साइज गैस पर रखी है हमने। सोयाबीन भून चुकी है और खूब अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें, अच्छी तरह से भून चुकी है, देख सकते हो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये गाजर कसी हुई, और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसमें। और ये मैंने पत्ता गोभी लिया, ये भी इसमें डाल दिए। अब इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। करने के लिए हम डालेंगे ये नमक, मैंने एक छोटी चम्मच नमक डाला है इसमें, अपने स्वाद अनुसार ही डालें नमक, थोड़ा सा कम इतना हाँ। इसमें टेस्ट के लिए हम ये करेंगे काली मिर्च का इस्तेमाल। तो ये छोटी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे, आपके पास चाट मसाला हो चाट मसाला डाल दो, नहीं तो मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के लिए ये अमचूर एक चम्मच, ये थोड़ा सा ये टेस्टी मसाला है। थोड़ा सा ये मसाला डाल दिया मैंने, ये बहुत अच्छा मसाला है, और इसे हम मिक्स कर देते हैं। ये सब्जी भी हमारी अच्छी तरह से, इसका पानी भी ज़्यादा हल्की सी डालनी है, बहुत हल्की सी एक पिंच के बराबर बस। डाल दिया हमने, तो डाले इसमें ये हमारी मोमोज की पिट्टी तैयार है। और मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ, ये हरा धनिया डाल दिया है मैंने इसमें। और गैस को कर देते हैं बंद, और इस पे हम पानी रखते हैं, कढ़ाई लिए और इस पे मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए। इतने हम मैदा लगा लेते हैं, मैदा लिए ये हमारी आधी किलो के करीब मैदा है, 500 ग्राम मतलब हमारी मैदा है, तो ये 500 ग्राम है। तो मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालूँगी 2 चम्मच के करीब,
मैंने ये रिफाइंड डाल लिया है ऑयल, मतलब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने इसमें। पानी तो मैं पानी डालूंगी इसमें, मैंने आधा के कप इसमें पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने ये मसलना, ये मतलब पूड़ियों का आटा, जैसे पूड़ियों का मलता है ऐसे हमें आटा लगाना है। ऑयल ले लेते हैं, ये मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा, ऐसे चारों तरफ ऐसे लगा के ऐसे 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। हम ऐसे छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और इसे हम देखो कितनी मस्त, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत मज़ेदार बन ऐसे करके ये पेठी मसाला भरेंगे और इसका सेप हम ऐसे 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 करके रख देते हैं। अब हम दूसरे पेड़े बना लेते, छोटे छोटे पेड़े हम बना लेते हैं ऐसे, लोइयां तोड़ कर छोटी छोटी ऐसे करके लोइयां बना लेते हैं। मैंने ये अभी एक और ये बना के दिखा रही हूँ मैं, कैसे कैसे बनानी है देख सकते हो, कैसे घूम घूम से ये बन रहे हैं, कितनी अच्छी शेप आएगी इसकी। और इसमें पिट्ठी भी हम अच्छी बन रहे हैं, खूब बड़े बड़े बना रहे हैं, कोई छोटे नहीं बना रहे। अब ये हमने बना दिए हैं, अब हम ये कुछ बना लेते हैं, सेक करके रख देती हूँ अलग अलग, जो एक दूसरे में चुपके नहीं। सारे इनको मैं रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से फूलेंगे, तो मैंने एक अलग अलग शेप में कर रही हूँ ये कर दी। अब ऊपर से मैं ये प्लेट रख देती हूँ, देख लेती हूँ और कितनी अच्छी पाप आ रही है, कितनी मज़ेदार आ रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये हमारे देखो चुपके भी नहीं है, अभी पक चुके हैं, ये कलर भी हमारा चेंज हो चुका है इसका,
अब गैस को हम बंद कर देते हैं। मोमोज बनके तैयार हैं, देख सकते हो कितने अच्छे, कितने प्यारे और कितने मज़ेदार बने हैं। कच्चापन भी नहीं है इसमें। आपको दिखाती हूँ मैं तोड़ के कि कैसे बने हैं हमारे मोमोज। देख सकते हो कितने अच्छे और कितने मज़ेदार बने हैं ये। और खा के भी दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे बने। हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ट्राई ज़रूर करके देखना। 5 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार है। धन्यवाद।